नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। केवीएस जेएससी की जो वैकेंसी आपके सामने देखने को मिल रही है, इसमें जो आपके कंप्यूटर का संभाग है उसके सिलेबस डिस्कशन किस प्रकार से प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था और अब कैसे आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो आपका एक तरह से बोला जाए इसको एग्जाम कंडक्ट कराने वाली और कोई नहीं टीसीएस है। तो रिसेंट में टीसीएस में कंप्यूटर के क्वेश्चन में काफी बदलाव देखने को मिला है, काफी डीप में जा रहा है, काफी प्रैक्टिकल अप्रोच क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो इसके बारे में हम डिटेल में अभी बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस वो डीप में पूछ रहा है। सबसे पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है कि आप कंप्यूटर को कैसे पढ़ें कि आपका ये संभाग जो है अच्छे से निकल जाए। ठीक है, तो एक बार जो बच्चे डेडिकेटली एकदम तैयारी करना चाहते हैं जेएसए से, तो टीम परीक्षा प्लस के द्वारा एक बैच आपका लाया गया है जो डेडिकेटेड जेएसए के लिए बैच है, केवीएस जेएसए के लिए। इस बैच में आपको हम वीडियो क्लासेस के साथ नोट्स, टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट, ये सब कुछ दे रहे हैं और मात्र आपके 499 में। ठीक है, और ये ऑफर प्राइस है। इसके बाद मंडे से आपका क्या हो जाएगा, इसकी प्राइस बढ़ जाएगी और बैच जो है आपका स्टार्ट हो रहा है। ये बैच जो इसका आप देख सकते हो स्टार्ट होगा वो आपका 8 तारीख से स्टार्ट होगा, 8 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो जाएगा, एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। तो जो ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं वो परीक्षा प्लस ऐप के माध्यम से इस बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बात करें कि कंप्यूटर क्यों महत्वपूर्ण रखता है आपके इस एग्जाम में। देखो एक बात कि अगर आपने प्री वाला जो पार्ट है फर्स्ट स्टेज अगर आपने निकाल भी लिया, ठीक है, अगर आपको सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो 100 मार्क्स का है इसमें अगर आप 40 मार्क्स नहीं ला पाए तो आपके पहले स्टेज को निकालने का कोई मतलब नहीं। तो अब ये सीपीटी क्या है, सीपीटी में आपके एमएस वर्ड, ठीक है, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, पीपीटी, एमएस एक्सेल, एमएस एसएस, ठीक है, ये सभी पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, इन सभी का क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे पूछेगा, वर्ड हुआ तो आपके सामने पैराग्राफ दे दिया उसे एज इट इज पैराग्राफ हार्ड कॉपी का उतार के दिखाओ। एक्सेल हुआ कोई डेटा है आपको, कोई कैलकुलेशन है उसकी सीट बनाना है, डेटा सीट, यहां पर डेटा बेस बनाने के लिए बोल दे, कुछ भी वो करा सकता है आपसे, 100 नंबर का होगा, लेकिन ये क्वालिफाइंग है और इसके मार्क्स मेरिट पे असर नहीं करते, लेकिन 40 नंबर बहुत होता है, 40 नंबर 100 में से लाना है। अगर आपको प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं पता है, आपने कभी सिस्टम पे काम नहीं किया तो कैसे करोगे। तो ये चीजें हैं, अगर आप 20 में अच्छा, चलो ठीक है, और सब्जेक्ट है उसके बदौलत आप पहला स्टेज पार कर जाते हो, लेकिन सेकंड स्टेज आपका स्किल भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात की जो हम ये कोर्स चला रहे हैं इसमें हम आपको सीपीटी भी तैयार कराएंगे, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी कराएंगे, क्योंकि मेरा पढ़ाने का जो अंदाज है, आप कोई भी बैच देख लेना कंप्यूटर का, हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच से मैं कंप्यूटर पढ़ाता हूं। और रिसेंट का अभी और एनालिसिस मुझे देखने को मिला है, जो बच्चे बोल रहे थे यूपीपीसीएल में टीसीएस ने कमाल तरीके से क्वेश्चंस पूछा है, पूरा का पूरा डेडिकेटेड। और मैं बार बार बोलता था कि अगर आपके पास सिस्टम है और आप सिस्टम के हर एक मेनू को अच्छे से देखते हो तो हमें नहीं लगता कि आप कंप्यूटर में कोई भी क्वेश्चन गलत करके आओगे। तो समझ लो अब जो भी प्रश्न बन रहे हैं आपके टीसीएस के द्वारा कंप्यूटर में वो सभी कोई ट्रेडिशनल नहीं, प्रैक्टिकल अप्रोच, क्योंकि ये भी आपका एग्जाम कई शिफ्ट में होगा, तो हो सकता है किसी शिफ्ट में आपके ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछ ले जाए और किसी शिफ्ट में आपसे प्रैक्टिकल पूछ लिया जाए। तो जहां प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाएगा वहीं आपके क्वेश्चंस गलत होने लगेंगे, ट्रेडिशनल क्वेश्चन आप कई जगह पढ़े रहोगे तो वो जरूर सही करके आओगे, जैसा अभी यूपीपीसीएस में देखा गया है, कुछ शिफ्ट में आपके ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछे गए, कुछ शिफ्ट में प्रैक्टिकल अप्रोच पूछा गया है। तो उन्हीं सबकी एनालिसिस पर और केवीएस के प्रीवियस पेपर के एनालिसिस पर, एनबीएस के प्रीवियस पेपर के एनालिसिस पर ये बैच में आपको शुरू हुआ एकदम डेडिकेटली। कंप्यूटर के लिए तो एकदम कुछ भी नहीं आपको सोचना है, जितना मैटर दिल जाएगा, जितना एमसीक्यूज दे दिया जाएगा उतना कर लो, क्योंकि लास्ट में जितना भी अभी मैंने यूपीपीसीएल में आपको पढ़ाया था, लास्ट में मैंने जो भी 4-5 पीडीएफ दी था, बच्चों ने फोन करके बोला सर इससे बाहर नहीं था, शुरुआत के पेपर में कुछ चीजें मिली थी कुछ नहीं, लेकिन वो अनसर्टेन है भाई, किसी के साथ हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक,
लेकिन मैक्सिमम चीजें जो पढ़ाया गया है उसी के क्रॉस आया। हाँ, कुछ बच्चे ज्यादा इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे कि वर्जन से अलग अलग पूछा, वर्जन का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है, मैं बार बार क्लास में भी बोलता रहता हूं। ठीक, तो अभी हम लोग पहले इस पे आ जाते हैं कि क्या हमारा जो है स्ट्रेटेजी होगा इस 20 प्रश्न में 17 प्लस क्वेश्चन सही करने का। पेपर की एनालिसिस अगर मैं बताऊं तो 2014 और 15 का जो मुझे पेपर मिला उसमें मैंने देखा एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन, जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है आपका, अगर आप थोड़ा सा भी कंप्यूटर जानते हो तो वह उस क्वेश्चन में से आप कहीं ना कहीं 15 क्वेश्चंस कर लो जाओगे आराम से। ये तब की बात है जब वो पुराना पेपर था, लेकिन ये 14 और 15 की बात है, आज समय 22 चल रहा है और 22 में क्वेश्चन का रेंज 22 के ऊपर हो गया है, समझ रहा हो। तो यहां पे जब एमएस ऑफिस से आप देख रहे हो 7 से 9 प्रश्न, और ये हर एग्जाम में होता है, कोई भी एग्जाम एमएस ऑफिस के बिना नहीं हो सकता है। एमएस ऑफिस आपका 50% से ऊपर लेके जाता है, आपने यहां पे भी देखा होगा जो रिसेंट्स के एग्जाम हो रहे हैं जिसमें कंप्यूटर पूछा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यूपीपीसीएल यूपीपीसीएल एजेंसी सेम है, इस एग्जाम को केवीएस के एग्जाम को भी कराने वाला आपका कौन है, टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस, इसी के जिम्मे इसकी जिम्मेदारी है। तो जाहिर सी बात है यही आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी। तो क्वेश्चंस का जो बैंक उसके पास है वो कौन सा है, जो अभी रिसेंट्स के एग्जाम हुए हैं, तो इसलिए उसके क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा, एकदम निश्चिंत रहिएगा। जैसे ही उनकी आंसर की आ जाती देख लें कि क्या नया था। ठीक है, तो बच्चों ने कहा कि कुछ नया था, ऐसा नहीं कि सब कुछ ही नया था। अब यहां पे 9 क्वेश्चन, यहां 7 क्वेश्चन, यहां 9 क्वेश्चन, मतलब अगर हम 20 क्वेश्चन की बात करें तो ऑन अप्रोक्स 50 के अप्रोक्स यहां पूछा जा रहा है। अब ये तबका था जब 15 क्वेश्चन आपका आता था, ये तबका है एनालिसिस जब क्वेश्चन आपके 15 आते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, पैटर्न चेंज हो गया, 15 की जगह यहां 20 क्वेश्चन आएगा। तो 20 क्वेश्चन आएगा तो जाहिर सी बात है अगर 7 50% हो गया, ये 50% से ज्यादा हो गया ना 15 से, और ये 50% ही हो गया, तो अभी भी आपका अगर हम बात करें 20 में तो 10 प्लस क्वेश्चन आपका किससे रहेगा, एमएस ऑफिस से रहेगा। वेब डिजाइन जनरल सा क्वेश्चन पूछेगा, स्टैटिक पेज क्या है, डायनेमिक पेज क्या है, होम पेज क्या होता है, फर्स्ट पेज क्या होता है वेबसाइट का, वेब को डेवलप करने वाला कौन है, इससे आपका मैक्सिमम ट्रेडिशनल क्वेश्चन ही बनेगा, इससे कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बन सकता इस वाले से, और उतना आपका डीप जाएगा भी नहीं, आपका कंप्यूटर स्पेसिफाइड एग्जाम तो है नहीं कि हाँ उस स्पेसिफाइड तो वेब डिजाइनिंग में प्रोग्रामिंग पूछने लगे, तो वो सब चीजें नहीं जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको कवर करेंगे। हाँ, आर्किटेक्चर जो होता है ये अच्छा पोर्शन होता है, ऑफिस की बात अगर बात करें तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन का ही बात होता है, जहां पर हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर के इंटरनल जितने भी आपके होते हैं जैसे ALU CU कंट्रोल यूनिट CPU के बारे में, इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में, असेंबलर्स के बारे में पढ़ते हैं, जनरल ओवरऑल हम एक जो होता है व्यू लेते हैं कंप्यूटर का, वो आर्किटेक्चर ही बोलते हैं कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या क्या होता है, इनपुट होता है, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी होता है, ठीक है, प्रोसेसर होता है, मदरबोर्ड होता है, बायोस हो गया, सीमोस, ये सब चीजें, जितने पोर्ट्स होते हैं, ये सब कुछ, जितने स्लॉट्स होते हैं मदरबोर्ड में, इन सभी चीजों का अध्ययन करेंगे हम 5 से और 3। और पहले आपका सिंपल सिंपल वही बायोस क्या होता है, सीमोस क्या होता है, उसका फुल फॉर्म एब्रिविएशन, यही सब पूछा जाता था, लेकिन अब ट्रेडिशन चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा, जैसा मैंने कहा कि 15 से 22 चल रहा है और 22 में क्वेश्चन 22 के ऊपर जा रहा है। अब यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्वेश्चन पूछा था, इधर नहीं पूछा गया था, यहां फाइल एक्सटेंशन से कि कौन सा एक्सटेंशन फाइल है, PNG हो गया, ठीक है, .docx हो गया, तो ये सब एक्सटेंशन पूछा है, हिस्ट्री एंड जनरेशन मतलब पढ़ना हमें है भी, सिक्योरिटी पढ़ना है, वायरस उन सब सी चीजों से पूछ ले, फायरवॉल से क्वेश्चन पूछा था, तो ये सब चीजें आपसे आएंगी। जो सिलेबस दिया है उसके उससे बाहर वो नहीं जाएगा। अगर हम सिलेबस को डिस्कस करें तो आपको ये 15 क्वेश्चन का मैंने डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है, 7 5 12 13 14 एक क्वेश्चन उधर पूछा था, 15 क्वेश्चन, तो सबसे ज्यादा आप देख रहे हो कि यहां से है। अब मैंने कहा कि अगर पहले जैसा पेपर था उसको आप देखो, कहोगे अरे सर इसमें तो हम 12 15 तो कर ही ले जा रहे हैं, क्या इसे पढ़े, लेकिन क्या अब आने वाले समय में कर ले जाओगे, जैसा अभी मैंने देख रहा हूं कि TCS जो है तहलका मचाई है कंप्यूटर के क्वेश्चन में, अगर प्रैक्टिकल अप्रोच आपका क्लियर नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो। और यही नहीं, इसलिए मैं कर रहा हूं आगे जो आपका CPT पड़ेगा, अगर उसमें आपको बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है वर्ड की, एक्सेल की, पावर पॉइंट की, आपसे बोल दे एग्जामिनर ये रहा कंटेंट, आप स्लाइड बना के दिखाओ, वो एनिमेशन लगा के दिखाओ, आप कर पाओगे नहीं। इसीलिए जो ये बैच चल रहा है परीक्षा प्लस में, उसमें कंप्यूटर मैं ही पढ़ाऊंगा, और पूरे YouTube में देख लेना कि मैंने जितना कंप्यूटर पढ़ाया, अगर किसी को ना समझ में आए तो बताना, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन मतलब मेरे
ऑन अप्रोक्स 100 से ज्यादा ही वीडियो होंगे पूरे कंप्यूटर का, उसे भी देख जाते हो ना, तो आपका मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएंगी। हाँ, लेकिन कुछ अपडेट हर एग्जाम में मांगता है जो मैं आपको इस बैच में दूंगा। और मेरा तरीका यही होता है कि जितने भी आपके पावर पॉइंट होगा और मुझे पढ़ाना है तो मैं पूरा स्निपशॉट ले लूंगा और इस बैच में, और मैं प्रैक्टिकली पढ़ाऊंगा, इस बोर्ड को ही पावर पॉइंट बना दूंगा, आपके सामने ही सब कुछ करके दिखाऊंगा इस बैच में, ठीक है? क्योंकि अब मुझे पता चला है कि प्रैक्टिकल अप्रोच पे क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, तो वो एकदम निश्चिंत रहिए आप। मेरे ऊपर उसकी जिम्मेदारी छोड़ दीजिए कि अगर 20 में मैंने 17 मार्क्स नहीं दिलाए तो फिर बोलना, ठीक है? ये कंफर्म है कि 17 से नीचे आपके मार्क्स नहीं होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ये आपके अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये रहा आपका सिलेबस, ठीक है? ये सिलेबस, और हम जो भी पढ़ाते हैं ऐसा नहीं, हम हर का सिलेबस देखते हैं और उस कंपनी का इतिहास देखते हैं, ठीक है? कि उस जो एग्जाम आपकी कंपनी करा रही है उसका हम इतिहास देखते हैं कि अब उसके पास कैसा एक तरह से डेटाबेस तैयार हुआ है क्वेश्चंस का, फिर उसके अकॉर्डिंग हम आपको बैच में पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी आपको पढ़ा दिए, ठीक? ये ध्यान रखिएगा। यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की बात किया है तो यहां आपको जनरेशन वाला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है ये सब चीजें आपको पढ़ना है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन मतलब हो गया, इसी को कहते हैं कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, इसी में आर्किटेक्चर आता है। और देखो रैम रोम्स सब उसी में आएगा। फाइल सिस्टम और इनपुट डिवाइस, ये आपका फाइल सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट हो गया, वहां पे हम लोग देख लेंगे। और इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस जो है आपका आर्किटेक्चर का पार्ट हो गया। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आएंगे हम, पढ़ेंगे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, जहां हम ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे जहां में हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे। और यहां पे बोला है ना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का रिलेशन, तो जाहिर सी बात है जब हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं और उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का क्या है, रिलेशन ही बनाता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में, कम्युनिकेशंस बनाता है उनके बीच में। फिर यहां पे मेन जो आपका है, जो 50% आपका कवर करेगा, वो है आपका ये एमएस ऑफिस, बाकी के आपके 50% में आएंगे। एक पॉइंट आपको 50% दे रहा है, बाकी आपके 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद से 6 7 पॉइंट जो आपके सिलेबस के हैं वो 50% दे रहे हैं। तो इसका मतलब अगर हम इसको पढ़ लिए तो हमारा ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन तो हो गया। और सब में से अगर हमें कुछ भी नहीं पढ़ के जा रहे हैं, हम एक एक क्वेश्चन अंदाजा मार के आ जा रहे हैं, तभी भी हम 17 पहुंच जाएंगे, तभी भी हम आराम से पहुंच जाएंगे हर टॉपिक से करोगे तो। यहां पे अगर हम बात करें तो साफ साफ लिखा है वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट और पावर पॉइंट, कहीं भी आपको एसएस की बात नहीं किया है। लेकिन यहां पे एसएस की बात नहीं किया है तो यहां हम ना पढ़ के हम उसके एसएस की प्रैक्टिकल अप्रोच सीपीट आपका जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए देखेंगे। तो अभी रिटर्न तक उसको होल्ड कर देंगे एसएस को, और रिटर्न के बाद मैं आपको एसएस पढ़ाऊंगा और प्रैक्टिकल अप्रोच के कि कैसे डेटाबेस बनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सीपीटी के लिए होगा, एसएस उसमें दिया है शायद, ठीक है? एक बार देख लेना। तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, यही हमारा टारगेट रहेगा। उसके बाद से अगर हम यहां पे आए तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी से, इंटरनेट से आपके क्वेश्चंस बनता है, हर एग्जाम में पूछा है लैन वैन इन टाइप के। हो सकता है आप थोड़ा सा एडवांस होगा तो आपसे ओएसआई मॉडल्स पूछ ले, लेयर पूछ ले, किस लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, क्योंकि ये प्रोटोकॉल का जमाना आजकल चल रहा है तो इससे ही क्वेश्चंस पूछेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाँ, अब एक चीज और दे दिया है, सोसाइटी इंडिया एक्ट, मतलब यहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में भी थोड़ा सा जानना, कब पारित हुआ, कैसे पारित हुआ, क्या क्या उसके अंतर्गत आता है। एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नमेंट ऑफ और ई गवर्नेंस, ठीक है? गवर्नमेंट सेक्टर में जो एएसआई का एग्जाम हुआ था उसमें भी यही पार्ट था। तो गवर्नमेंट के एग्जाम में किसका, टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, ठीक है? जैसे ई गवर्नेंस हम लोग बोलते हैं ना, जैसे ई वोटिंग स्टार्ट करना हो गया, चाहे आप जो भी आप पेंशन वाले हैं तो ई लाइफ सर्टिफिकेट हम लोग जमा करते हैं, कई चीजें हैं जो ई को हो गया है आपका, जैसे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है, आपका एनुअल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, तो ये सब चीजें आप यहां से कर सकते हो। तो वो ई गवर्नेंस का लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस देखो अब पूरा का पूरा ऑनलाइन हो गया, तो वो ई गवर्नेंस का एक पार्ट है। मोबाइल स्मार्टफोन्स के बारे में, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे इंफॉर्मेशन ऑफ कायोसिस, ठीक है, उसके बारे में, इनके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, ब्राउजर्स के बारे में, ये सब चीजें हमें पढ़नी है। तो बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है, जिसको डिटेल पढ़ना है वो एमएस ऑफिस को पढ़ना है, और वो कैसा पढ़ना है, प्रैक्टिकल नॉलेज पढ़ना। तो भैया जिनको भी मैं बोल रहा कि कंप्यूटर को हल्का नहीं लेना है,
एक तो यहां पर 20 है और 40 नहीं कुछ तो मार्क्स वहां भी लाना है। तो यहां अगर हम 20 का बात करें वहां 40 मार्क्स की बात करें तो 40 और 20 कितना हो गया 60, तभी ना आप फाइनल सिलेक्शन दोगे। ठीक है, तो वो 60 मार्क्स के लिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो बैच आपका चल रहा है उसके लिए निश्चिंत रहो कि कंप्यूटर आपको पूरा अकॉर्डिंग टू द एजेंसी, मैं बोलूं सिलेबस और एजेंसी, अकॉर्डिंग टू आपका सिलेबस और जो होगा टीसीएस, टीसीएस के अकॉर्डिंग ये पढ़ाऊंगा मैं, जो रिसेंट के कंप्यूटर में क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, जैसे ही आंसर की उनकी आ जाएगी उसके अकॉर्डिंग मैं और आप लोगों को चीजें उसके डीप तक लेके जाऊंगा, उसके तह तक लेके जाऊंगा। तो जिनको भी बैच से जुड़ना है मैं बता दे रहा हूं कि भैया परीक्षा प्लस ऐप से आप जुड़ सकते हो, परीक्षा प्लस ऐप से, और ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है अभी, ऑफर प्राइस 499 चल रहा है, मंडे से इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, इसके अलावा मैंने कहा ना। और ये स्वेच्छा है भाई आपकी, अगर आपको नौकरी लेनी है और जल्दी लेनी है, कितने दिन में, विद इन 16 डेज, 60 दिन के अंतर्गत ये आपका एग्जाम हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ये तो आप समझ सकते हो, और 60 दिन और मान लो और टाइपिंग वाइपिंग के 30 दिन और मान लो, तो 90 दिन मतलब ओवरऑल में ये वैकेंसी फाइनल हो जाएगी। तो जिसको इतना जल्दी एग्जाम देकर अपनी वैकेंसी, अपनी सीट पक्की करनी है वो जरूर जुड़ सकता है। हाँ, सीरियस कैंडिडेट ही जुड़े, जिनको ना लगता है वो ना जुड़े, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको पढ़ना है, सीरियसली रिजल्ट देना है और जितना पढ़ाया जाए क्लास में आना है वही जुड़े। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या होगी अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।